नमस्कार दोस्तों, फील ऑसम नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप अगर नर्सरी में पाम ट्री लेने जाते हो तो 70 रुपये के समथिंग में मतलब शुरुआत होती है और 150-200 तक पहुंच जाता है। और अक्सर मैं पाम ट्री का देखी हूँ कि मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन ये एक ऐसा पाम ट्री है जिसको जीरो मेंटेनेंस में बहुत ही अच्छा ग्रो होता है और इससे ये बीज से भी तैयार हो जाता है और साथ ही साथ बेबी प्लांट से भी तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट्स का नाम है अम्ब्रेला पाम ट्री। बहुत ही बेस्ट पाम ट्री है दोस्तों। अगर ये नर्सरी में मिले पहली बार तो आप लेने जाओगे तो यकीन है 70 रुपये के समथिंग में आएंगे। और ये मेरे आसपास जितने भी मैंने नर्सरी देखा है वहाँ पर ये प्लांट्स मुझे मिले नहीं हैं, और ये कहीं मुझे घर में किसी के घर में मिल गए थे तो वहाँ से मैं लेके आई। और ये जो प्लांट्स है दोस्तों, अक्सर ये ऑफिसेज वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। ये किले वगैरह होते हैं, स्कूल वगैरह होते हैं, क्योंकि इसे जीरो मेंटेनेंस चाहिए होता है। और इसका मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगी, इतना मतलब रेयर कंडीशन में भी सीमेंटेड एरिया में हो गया है और बिल्कुल भी मतलब वहाँ तो पानी और खाद तो छोड़ो, पानी वगैरह भी नहीं पड़ता, फिर भी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। तो दोस्तों, ये इस पाम ट्री को आप लगा ले, खूबसूरती बहुत ही अच्छा बढ़ाता है। और इसकी जो आप छतरी नुमा देख रहे हो, अम्ब्रेला पाम ट्री जो है बहुत ही खूबसूरत है। ये जो आप है ये बेबी प्लांट है, ये जब ये छोटा रहता है तो लाइट ग्रीन कलर में होता है जो बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरह से गुच्छों में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जब ये पुराने हो जाते हैं तो ऐसे डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ये है फूल, जब ये खिलते अभी तो सूख गए हैं, वाइट कलर के, खूब वाइट कलर के सुंदर लगते हैं। और जब ये बीज जहाँ जहाँ झड़ता है मैं देखती हूँ वहाँ से बेबी प्लांट्स भी उग जाते हैं। तो ये आप जो देख रहे हो पूरा एरिया में इस तरह से फैला हुआ है। मुझे ये पाम ट्री दोस्तों, मेरे पास एरिका पाम ट्री भी है, चाइना पाम ट्री भी है, लेकिन मुझे ये पाम ट्री बहुत ही बेस्ट लगा। इसका मैं एक और आपको दिखाती हूँ। ये है दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बताई थी, मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग पाम ट्री लगा के परेशान हो गए हैं और सही से ग्रोथ नहीं होता है तो ये अम्ब्रेला पाम ट्री लगाएं, बहुत ही अच्छा है। ये बीज से तैयार हुआ है, बीज जहाँ जहाँ गिर जाते हैं, हालांकि मैं बहुत उखाड़ के फेंकती हूँ, और ये इतना अच्छा लगा मुझे दोस्तों। पहले बार इसका मतलब 3-4 साल पहले जो मैं लाई थी तो मुझे लगा था कि शायद इसको भी बाकी प्लांट्स की तरह जो पाम ट्री है मेंटेनेंस करना पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिला। बिल्कुल मैं कभी इसकी देखभाल नहीं करती हूँ, एक बार जब मिट्टी में लगाया तो हो गया। और ये बीज से हुआ है, अब बीज से ही देखो कितना अच्छा फैला है। तो ये कंडीशन देख के आप समझ जाओ दोस्तों कि ये कैसा पाम ट्री है, और आप निश्चिंत होकर अपने घर में लगा लेंगे। और यकीन मानिए, अम्ब्रेला पाम ट्री अब जब आप घर में लगाओगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे कि हाँ, एक ऐसा इतना अच्छा मतलब पाम ट्री आपको मिला है। तो ये जो आप देख रहे हो ये देखो, ये कम मिट्टी में, ये हम मिट्टी है और सीमेंटेड एरिया, और ये शायद ही मैं इसमें कभी पानी डालती हूँ, लेकिन आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। ये बीज ही गिर गया है, बीज गिरने से ही फैला हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए। हालांकि इसमें कभी भी ना के बराबर पानी डालता है, और इसका कंडीशन देख के ही आप समझ जाओ कि ये कितना बेस्ट पाम ट्री है और इसको लगाना कितना आसान है और कितना खूबसूरत भी लगता है। ये छोटे छोटे हैं फिर भी देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और ये सीमेंटेड एरिया में है, कोई गमले में नहीं है, कोई मिट्टी में नहीं है, ज़रा से यहाँ पे मिट्टी का कुछ स्रोत है, यहाँ पे थोड़ा बहुत उसी में बीज गिर गए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो देख रहे हो कितना, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, जड़ों में ऐसे मिट्टी में जकड़ के मर जाता है कि निकालना बहुत मुश्किल होता है। और कितनी बार इसकी मैंने तो छटाई की है, ये देखिए आप जो ये देख रहे हो, ये देखिए इसकी छटाई मैंने कितनी बार की है, ये जो आप देख रहे हो, फिर भी ये नया नया उग जाता है। मतलब इसको 2-3 बार मैंने यहाँ से उखाड़ दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये जो नाली देख रहे हो, इधर लाइन से पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, खामखा बढ़ जाता है तो मैं छांटती रहती हूँ। लेकिन ये तो एक बार जब इसकी जड़ें पकड़ लेती है तो अपने आप को बोलते ना, एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ दोस्तों, एक बार ये ऐसा प्लांट्स है कि अपने आप गार्डन में लगा दोगे, उसके बाद आपको बिल्कुल भी केयर करने की ज़रूरत नहीं, अपना केयर एक खुद कर लेगा। अम्ब्रेला पाम ट्री इसकी देखिए कितना सुंदर लग रहा, मतलब सीमेंटेड एरिया में भी इतना अच्छा से इसकी ग्रो हो रही है और इतना अच्छा कंडीशन है। इतनी कटाई छटाई करने के बावजूद भी मैं इतना इसको उखाड़ के मतलब फेंकती रहती हूँ, फिर भी यहाँ से जो आप देख रहे हो
बेबी प्लांट उगाए हैं। तो हालांकि ये थोड़े से सीमेंटेड एरिया में तो बहुत बड़ा नहीं हुआ है और मैं छांटती रहती हूँ, नहीं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता। दिखाती हूँ, ये देखिए, ये भी बीज से ही तैयार हुआ है, बीज यहाँ गिर गए हैं। तो इतना अच्छा बेस्ट प्लांट है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप ये पाम ट्री अपने घर में आप ज़रूर लगाएं, और लगाएंगे तो आप यकीनन बहुत खुश हो जाएंगे कि आप एक बहुत ही अच्छा पाम ट्री आपको मिला है। ये देखिए, ये बीज गिरा है और बीज से ही हुआ है, मैं कोई बेबी प्लांट नहीं लगाई हूँ। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे और यहाँ पे, शायद ही कोई ऐसा आप पाम ट्री देखे होंगे जो बीज से इतनी अच्छे से जगह जगह गिर के ग्रो होता है जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स होते हैं। तो दोस्तों, जीरो मेंटेनेंस में ये पाम ट्री आप ज़रूर लगाएं। अगर आप अम्ब्रेला पाम ट्री या मतलब कोई अदर पाम ट्री लाना चाहते हो, चाइना पाम ट्री या फिर एरिका पाम ट्री, तो सबसे पहले आप ये वाला पाम ट्री ला कर देखना दोस्तों, या कंपेयर करके आप देखना, बहुत ही इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको अम्ब्रेला पाम ट्री का। और इसके जो डंडी होती है बहुत हार्ड होता है, काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, कम से कम 5 फुट 6 फुट तक ऊपर तक चला जाता है, और बहुत ही हार्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं है ये, ये मतलब मुरझाएगा, टूटेगा नहीं, झुकेगा टूटेगा नहीं, होने वाला है। और बालू अगर आप गमले में लगा रहे हो तो थोड़े से आप बालू मिक्स करके लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, और सिंपल मिट्टी में भी बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है पाम ट्री दोस्तों, इसे आप ज़रूर लगाएं। और मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट्स की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।